प्रदेश की खास खबरों के साथ। कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव के साथ पॉलिटेक्निक व आईटीआई कांडा का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आईटीआई कांडा के भवन निर्माण में की जा रही देरी पर नाराजगी जताई और तय सीमा पर काम करने के निर्देश कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए। वहीं जल निर्माण कार्य संपन्न नहीं होने पर कार्यवाही की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आईटीआई कांडा में नए ट्रेड खोले जाएंगे ताकि यहां के युवाओं को तकनीकी शिक्षा मिल पाए। अब विद आहरण वितरण अल्मोड़ा आईटीआई के बजाय कांडा को दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक कांडा में रिक्त पदों पर जल्द ही पद भरने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में बेहतर प्रशिक्षण मिल सके इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास होंगे। कांडा क्षेत्र जो है कांडा कमसियार का क्षेत्र पहले से ही जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है और इसी दिशा में हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं और जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ हमने कपकोट विधानसभा का एक डाटा तैयार किया है उसके तहत हमको देखने को मिला है कि एक बार हम कांडा कमसियार को शिक्षा के क्षेत्र में पुराने जो ढर्रा है उस पर लाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़ने लिखने में आगे हैं और बहुत सरकारी नौकरियों में हैं और बहुत मेहनती हैं। तो कांडा कमसियार जब मैं आज आया हूँ देखने के लिए तो जो भवन बन रहे हैं तो उसकी गति अभी धीमी है, तो उसके एमडी से भी हमने बात किया बिटकुल के एमडी से कि यथा शीघ्र इस काम को जो है तय समय पर पूरा किया जाए जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को जो दिक्कतें हैं वो कम हो सके। और यहाँ पर यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सारी एक एक बात हमको बताई है तो जो कमियाँ हैं उसको हम दूर करेंगे। जो फाइनेंस की बात कही गई है कि अल्मोड़ा आना जाना पड़ता है तो उसको भी हम चाहेंगे कि हम फाइनेंस की पावर भी जो है बागेश्वर इन जो आईटीआई जो देखेंगे उनको देने का काम करेंगे। और जो बिल्डिंगों में जो कमी है जो स्टाफ की कमी है उसको भी हम धीरे धीरे पूरा करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ स्वास्थ्य में हमने सब जगह डॉक्टर भिजवा दिए हैं, सारे भवनों को रिनोवेट करने के लिए पर्याप्त धन उनको दे दिया है, वैसे अब अगला जो हमारा चक्र है उस चक्र में जो है जो प्रशिक्षण कर रहे हैं हमारे यहाँ के भैया बहन हैं उनको अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी कंपनियाँ यहाँ आएंगी और वो अच्छे जॉब में यहाँ से लगेंगे, ऐसा मेरा लक्ष्य है। क्योंकि आज जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा है तो व्यावसायिक क्षेत्र में हमको जो है बहुत मेहनत के साथ और बड़ी संख्या के साथ आगे आना होगा और तभी जो पहाड़ में कहा गया है कि हम रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है तो हमारे स्टेट के अंदर बहुत सारे रोजगार हैं तो उसकी भी हम पूर्ति जो है कांडा कमसियार की इस धरती से पूरा करेंगे।